हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और छोटी काशी मंडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पूरे 12:30 बजे से और अभी मैं कहाँ हूँ बिल्कुल ये जगह दिख रही होगी मेरे पीछे, तो मैं हूँ मंडी में और मंडी शिवरात्रि में अभी बहुत सारे देवी देवता आए हैं तो वो देवी देवताओं के मेले चल रहे हैं, तो चलो आपको भी दर्शन कराते हैं साथ साथ में। जिधर जिधर तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक सारे देवी देवता बैठे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। मैं भी खुद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजा आ रहा है। और ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं, ये है हमारे हिमाचल का कल्चर। मैं ये सब दर्शन कर पा रही हूँ। आई नो कैमरा क्या हो जा रहा है, एक तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है लोगों के फोटोशूट के बीच में आके। ओके बजट पे पिया है, सोडा पिया है और गन्ने का जूस। यस, ऐसे दोस्त साथ में हो गाइस तो फिर खर्चा नहीं करना पड़ता, हम दूसरों से करवा देते,
अभी आके पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे ना करना पड़ेगा इस खर्चा। ओह माय गॉड गाइस, आप मेरी जीप देख सकते हो, ये है इम्पैक्ट। हमने खाया है अभी गोला, बहुत ही अच्छा अच्छा। ओके गाइस, तो हमारे मंडियाल दोस्तों ने कुछ उसको नया वर्ड दिया था, उसका नाम था पता नहीं क्या बोला था, कुछ तो बोला था कि बरकत है इसमें, मतलब जो भी है। तो अभी भी वो ख़त्म नहीं हो रहा, मैंने तो ख़त्म कर लिया गाइस अपनी तरफ से, लोगों का ख़त्म नहीं हो रहा और कैमरा पर आना नहीं चाह रहे। ओके, इसके बाद हम शायद जाएंगे सिड्डू खाने, अखरोट वाले सिड्डू आपको भी दिखाते हैं गाइस। ओके बाय। हेलो गाइस, मैं सिड्डू मंडी में, तो हम हिमाचल में बहुत ही चाव से लोग खाते हैं, वो है सिड्डू। तो आप देख सकते हैं ये, इसके अंदर स्टफिंग होती है, स्टफिंग आप देख सकते हैं, करीब लाए थोड़ा चेक करें इसके अंदर स्टफिंग क्या है। और हमारे को साथ में मिली है अखरोट की चटनी, ये हरी चटनी, लाल चटनी। ओके गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कैसा है। और खाने में काफ़ी, कई जगह इसको घी के साथ सर्व करते हैं और यहाँ पे हमें चटनी के साथ सर्व हुआ है। ये सर ये तिक्खी नहीं है, ये वाली तिक्खी चटनी है जी। चलिए शुरू करते हैं, अब मुंह में भी पानी आ रहा है गाइस। ये आप लोगों के लिए, उसके बाद अभी हमने खाई कुल्फी। अभी कुल्फी खा के आप मेरी हालत देख सकते हैं, और मतलब बहुत कुछ खुश है गाइस। गोलगप्पे भी खाए हैं साथ साथ में, और मेले में आके हमारा काम यही होता है बीइंग एडल्ट, कि हम खाने की एक भी चीज़ ना छोड़े, सब चीज़ व्यवहार करें, जैसे कि सिड्डू खाए और बहुत सारी चीज़ें खाई। ओके गाइस, गाइस आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या है, बार बार दिखाई जा रही है गाइस। तो ये हमारे देवता होते हैं और ये बालूनाग जी हैं। तो गाइस कई देवता ऐसे होते हैं ना कि बहुत दूर दूर से, 100-100 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हैं और देवता को उठा के लाते हैं अपने कंधों पे इस तरह से। और इन देवता का वेट ना 100 किलो से ऊपर ही होता है गाइस। तो ये आप श्रद्धा देख सकते हो कि कितनी श्रद्धा है। और जिन देवताओं तक हम पहुँच भी नहीं पाते, वो मंडी शिवरात्रि में पहुँच जाते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खासियत की बात है कि हम इन तक पहुंच पाते हैं। चलो अब इसके आगे, ये तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये चल रही है इसके बाद जलेब। तो चलिए देखते हैं। और जेड़े की तुसे सब लोग जाने हैं कि हर एक जगह रे अपने अपने रूल हुए हैं, अपना अपना पहनावा हुआ, अपनी अपनी वेशभूषा जो भी आई सब हुए, अपने अपने लैंग्वेज हुए। तेड़े ही आसारे हिमाचला, आसारे हिमाचला, आसारे पहाड़ी चलाई, कने इतनी मंडी जैसे मंडियाड़ी चलाई। तो तीन दवाई तुसे देख सकें कि सारा केड़ा कल्चर आ, सारे लोग इतनी देवी देवते पर बड़ा भाई भरोसा कराएं। तीदी कट्ठे तुसे देखा भी कितने भाई लोग करी भीड़ इकट्ठी हुई रही, सब लोग अपने जरूरी जरूरी काम छड़ुआ भी आई रहे देवी देवता के दर्शन करते, कने इना देवी देवते आशीर्वाद भी ऐसा उपर आया। कने बड़े भारी अच्छा लगा जब ऐसे अपने जे कल्चर दिखाएं कि हाँ सब लोग दूर दूर से आया करें, सब इकट्ठे हुई रही थी, तब बहुत ही अच्छा लगा अपना कल्चर देखिए। कने सारी हिमाचल से जड़ी मंडी, या सारी मंडी जो छोटी काशी का दर्जा भी मिल रहा था, दर्जा मिल रहा था दीदी कट्ठे ऐसे देखो भाई इं दो ऐसे देवी देवते जो बड़े भाई फॉलो कराए, जेड़ा देवी देवते बोलते से ऐसा कट्ठे फाइनल गल हुई जाए। तो ये तो कई लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, पर ऐसे एडे प्रिमिटिव होने पर ऐसा बड़ा भारी गर्व है कि ऐसे प्रिमिटिव है। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है और ज़्यादा मेरे को मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना ही अच्छा लग रहा है, क्या फीलिंग है। और हमारे ये लोकल
लोग इकट्ठे हुए हैं, देवी देवताओं की जो इंस्ट्रूमेंट है किस तरह से बने हुए हैं, कैसे इनको बजाते हैं, आप देख ही सकते हो कितना ही अच्छा फील आ रहा है। और ये देवी देवता ऐसा लग रहा है कि सब पे आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे दुनिया भर में जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं सबको आशीर्वाद है देवी देवताओं का, तभी आप इस ब्लॉग तक पहुँचे हो, ऐसे आप नहीं पहुँचते इस ब्लॉग तक। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी ओके गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप ही देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। अगर आप लोगों ने भी छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि अटेंड की है, और आप भी अगर इनमें से एक हो जो देवी देवताओं के साथ आए थे, और किन देवी देवता के साथ आए थे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो लोग भी फॉलो करेंगे वो हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, ठीक है गाइस। वीडियो, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। और ब्लॉग को अगर पूरा देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।